नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। अरब सागर में पहली बार INS विक्रमादित्य विक्रांत की जुगलबंदी। वाराणसी में आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक आज से होगी। मणिपुर में भाजपा विधायक ने लगाया ड्रॉप बॉक्स, छीने गए हथियार यहाँ जमा करें। कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं अमेरिका के बाद नॉर्वे तक पहुंचा। टोक्यो में रनवे पर टकराए दो विमान, उड़ाने लेट हुई। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन सील, यहां ट्रेन नहीं रुकेगी। सेन को नोटिस के खिलाफ 302 विद्वानों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। गोपनीय दस्तावेज रखने की ट्रंप की मंशा पर रहस्यमय कायम। महिला समेत IS के 4 आतंकी गुजरात से गिरफ्तार। हैदराबाद में पुजारी ने पत्थर से प्रेमिका की हत्या की, मेन हॉल में शव डाला। ऑनलाइन गेम में किशोर ने खाते से 36 लाख रुपए उड़ाए। कोलंबिया में विमान हादसे के 40 दिन बाद जंगल में जिंदा मिले 4 बच्चे। एशिया कप हॉकी में विमेंस जूनियर टीम फाइनल में। नौसेना ने अरब सागर में सबसे बड़ा अभ्यास किया। शरद पवार ने बेटी को कमान सौंप बगावती भतीजे को जमीन दिखाई। मुद्दा सुलझने के बाद ही एशियाई खेलों में भाग लेंगे साक्षी मलिक। भिंड में हादसा, एक चिंगारी ने शादी की खुशियां मातम में बदली। पहले आग फिर विस्फोट, जिस खाट पर 3 मासूम खेल रहे थे उसी पर जल गए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।